किधर है तुम? अपने इस जॉनी भाई को भूल गया क्या? और इधर अकेले खड़े रह के क्या? मैं सबके लिए कॉफी बना के लाती हूँ, सब लोग पियोगे ना? जी बिल्कुल। फातिमा भी आपकी तकलीफ कर रही है, मैं लेके आती हूँ। अरे बेटा, वैसे भी मैं पिक्चर के कहाँ शौकीन हूँ, मैं जाके कॉफी बना के लाती हूँ। हे वाओ, हैंडीक्राफ्ट मेगा एग्जीबिशन लास्ट डे, हमें जाना चाहिए ना निशा? ऑफ कोर्स, यस, बिल्कुल जाना चाहिए। वैसे भी आपको वहाँ पर जाकर अच्छा लगेगा, ऐसी एग्जीबिशन बार बार नहीं होती। हाँ, वही तो। नीलिमा, हम सब चलते हैं, तुम भी चलो ना। कैन यू इमेजिन हाथ से बनाए हुए कपड़े, ऑल ऑथेंटिक स्टफ, वाओ, इट्स गोना बी सो मच फन। आई थिंक हम सबको जाना चाहिए। थैंक यू निलेमा, सीरियसली तुम्हें भी चलना चाहिए। आई मीन, अब हम दोनों अमेरिका से बार बार तो आने नहीं वाले, और फिर इतने अच्छे इंडियन ऑथेंटिक स्टाफ हमें फिर कहीं नहीं मिलेगा। एंड आई विल बाय समथिंग फॉर ऑल माय फ्रेंड्स, व्हाट्स इट? या, और इससे अच्छे गिफ्ट्स तो हमारे यूएस फ्रेंड्स के लिए कुछ नहीं हो सकते, तो आप सबको तो चलना ही पड़ेगा। हाँ भाभी, हमारा दिल भी कर रहा है एग्जीबिशन देखने का, हमें भी ले चलेंगे ना? पागल है क्या? तेरे बिना कभी जाएंगे हम? ठीक है, तो आज हम सारी लेडीज इस एग्जीबिशन में जाएंगे। लेडीज डे आउट? क्यों फातिमा भी? नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं आऊंगी, मैं घर में बैठती हूँ ना, तुम सब लड़कियां मिलके जाओ ना। फातिमा भी, आपने सुना नहीं, अभी अभी तो नीलिमा ने कहा कि इट्स अ लेडीज डे आउट, यू हैव टू कम। हाँ फातिमा भी, चलिए ना। हाँ मैं, चलिए ना। अच्छा बाबा, चलती हूँ, बस ये हुई ना बात। चलो सब तैयार हो जाते हैं। यस। जी कहिए निकिता जी, आप हमें एग्जीबिशन में लेकर नहीं जाएंगे अमर जी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अगर तुम नहीं भी पूछती ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ ही आता। अच्छा, तुम्हें भी हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत शौक है हा? नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना अच्छा लगता है। अब तुम चाहे एग्जीबिशन जाओ या कहीं और, लेकिन जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ ही। अच्छा, मेरे साथ जाने में तुम्हें ऐसा क्या मिलता है अंबर? तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देखने का मौका। ये मौका किसी भी बहाने से मिले, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। Really? So sweet. Oh God, मैं तो बातों में ही लग गई। मैं जल्दी से जाके तैयार हो जाती हूँ, okay? You also do the same. अपने पति देव को मैसेज भेजा जा रहा है? हाँ हाँ, वो एक मीटिंग में बिजी हैं, तो सोचा मैसेज करके उनको बता दूं कि हम लोगों को आने में लेट हो जाए। वैसे अगर तुम मैसेज ना भी करती ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब वो घर आते तो सर्वेंट्स उन्हें बता देते ना कि हम बाहर गए। नहीं, एनीवेज तुम मैसेज करो, तुम एक अच्छी पतिव्रता भारतीय वाइफ की तरह उन्हें मैसेज भेज दो, राइट? या ओके, बस। हाँ रामू, गर्मियां शुरू हो गई है, राजा की तबीयत बिगड़ जाती है।
जैसे ही वो घर आए उसे नींबू शरबत दे देना, भूलना नहीं। ठीक है। चले दीजिए भाभी, मैं भी तैयार हूँ जाने के लिए। पर किस लिए? आज तो लेडीज डे आउट है ना, तो तुम कैसे आओगे? नीलिमा, उसमें क्या हो गया, आने दो ना। पर अंबर कैसे जा सकता है? अंबर कोई लेडी थोड़ी ना है। भाभी, इतनी ब्यूटीफुल लेडीज जा रही हैं, तो उनके साथ एक बॉडीगार्ड तो होना चाहिए। हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। सॉरी, हमें किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। जरूरत है, ऑफ कोर्स जरूरत है। अब इतनी सारी प्रिटी प्रिटी लेडीज बाहर जाएंगी, और अगर ये इंडियन मनचले लड़कों ने हमें देख लिया और लाइन मैन मार ली, तो तुम हमारे साथ चलो। यस, वैसे भाभी एक मर्द का साथ जाना अच्छा होता है। तो ठीक है, चलो। थैंक्स भाभी। कम ऑन, लेट्स गो। चल। Excuse me. Hello? What? Oh my God. Achha, okay. Okay, bye. Actually, एक बहुत अर्जेंट कॉल थी, बहुत अर्जेंट मीटिंग आ पड़ी है। अब क्या करें? करना क्या है, एग्जीबिशन कैंसिल कर देते हैं। तुम अपनी मीटिंग कराओ। नहीं नहीं, ऐसा क्या हो गया, सब इतना तैयार हुए एग्जीबिशन देखने के लिए। ऐसा करते हैं, आप सब जाओ और एग्जीबिशन देखो, और मैं मीटिंग जल्दी से खत्म करके तुम्हें ज्वाइन कर लूंगी। फिर ठीक है, यू टेक केयर। हाँ, आज खेल खत्म होने का वक्त आ गया है। हमने जो सोचा था वो होकर रहेगा। खेल खत्म, समझो। सुनो, को यहाँ पर कोई संडे या किसी दिन छुट्टी बुट्टी नहीं मिलती क्या? हम लोगों को छुट्टी कैसे मिल सकती है मैम साहब? हम लोग छुट्टी करेंगे तो घर में खाना कौन बनाएगा? अच्छा, हमारे अमेरिका में तो सब सर्वेंट्स को हफ्ते के एक दिन जरूर छुट्टी मिलती है। तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? आज तो घर में कोई नहीं है। अरे, मैंने कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ये पास वाले थिएटर में बहुत अच्छी फिल्म लगी है, वो देखने क्यों नहीं चले जाते? फिल्म? चलो ना, चलते हैं। नहीं नहीं, घर का काम कौन करेगा? सब लोग बाहर गए हुए, जब तक वो आएंगे तब तक तुम तो लौट ही आओगे। क्यों? तुम एक काम करो, ये लो, जाओ और फिल्म देखा। ये लो, तुम ले लो, जाओ ना फिल्म देखाओ। शुक्रिया। Thank you.
राज ठाकुर उफ भाई राजा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं उन्हें किसी को मुंह दिखाने लायक छोड़ूंगी नहीं। पूछो क्यों? ये पीते ही आप बेहोश हो जाएंगे और वैसे ही मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगी और चीखने चिल्लाने लगूंगी, बचाओ बचाओ बचाओ। अब भाई राजा जैसे अच्छे इंसान मुझे बचाने के लिए तो जरूर ऊपर आएंगे। जैसे ही वो मेरे कमरे में आएंगे, वैसे ही घर वाले बाकी सब भी मेरे कमरे में आ जाएंगे। और फिर मैं नीलिमा के पास जाऊंगी। नीलिमा, नीलिमा, भाई राजा मुझसे अच्छे जबरदस्ती कर रहे थे। अच्छा हुआ कि तुम टाइम पर आ गई। अगर तुम नहीं आती तो तुम्हें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती नीलिमा। और बाकी का खेल तो मैं खेल ही चुकी हूँ। निशा, कोई भी ऐसा खेल नहीं खेलती जिसमें उसे मात। नीलिमा और भाई राजा को दूर होने से अब मैं भी देखती हूँ कौन तो। फातिमा भी गुंजन, आए नहीं अब तक। अरे रूपानी, बात तो मानना पड़ेगा, ये घर में हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर दिन उमस से भरा हो तो हमारे लिए नींबू पानी बनाकर रखा जाता है। अरे नंदिनी, भैया कैसी है तू? वापस कब आ रही है? हम ठीक है भैया, बस कल सुबह चौथे धाम के दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद हम अपने राजा भैया के पास वापस। अरे इतनी लंबी तीर्थ यात्रा पर जाने की क्या जरूरत है? इतने दिनों तक अपने भैया से अलग रह सकती है क्या? भैया आपकी खुशी के लिए तो हम इससे 10 गुनी लंबी तीर्थ यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। आपकी खुशी से बढ़ के हमारे लिए और कोई बात नहीं है। और आप देखिएगा, हमारे तीर्थ यात्रा के फल से आपकी और भाभी की जोड़ी हमेशा बनी रहेगी और दुनिया की कोई भी ताकत इसे तोड़ नहीं पाएगी। अरे हमारी खुशी तो इसमें कि तू हमेशा हमारे आंखों के सामने खिलखिलाती रहे, मुस्कुराती रहे। ए, अब देख हमारी आंखें तुझे देखने के लिए बहुत तरस गई हैं। अब वापस आ जा, जल्दी आ जा। जी भैया, प्रणाम। खुश रहे। मोमबत्ती लाओ। बचाओ! कौन है? हाँ, आ रहे आ रहे। बचाओ! इतना धुंधला
कहाँ हो? अरे कोई घर में है क्या? आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे आ रहे हैं, हाँ आ गए आ गए आ गए। कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी। क्या हुआ निकी? क्या हुआ? एकदम से पेट में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास ले चले? हाँ नहीं नहीं, अब डॉक्टर के पास नहीं। Can you just go home? अब बस किसी हॉस्पिटल ले चलो। जी नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर चलते हैं ना। ये किडनी स्टोन का पेन है, मुझे अक्सर होता है। दवाई है मेरे पास, मेरे रूम में रखी हुई है, बस वो ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जल्दी से घर चलते हैं प्लीज। Are you sure? Yeah, I am sure. ठीक है अंबर, घर की तरफ ले चलो। जीत होगी सिर्फ मेरी।